नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल बैंक के शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 16% की क्लियर आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो उसी के साथ नोटिस कर सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक रेड कैंडल दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्या यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आने वाला है, यहाँ पे स्टॉक में तेजी आने वाला है? तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो सेंट्रल बैंक शेयर स्टॉक आपको इस तरीके से कि हायर है कि कंडीशन बना के स्टॉक क्लियरली ऊपर बढ़ रहा है, और ऊपर बढ़ते बढ़ते देखेंगे स्टॉक ने जो हाई लगाया यहाँ पर 76.60 को, और सपोर्ट लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लगा 52 को, और स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी कंडीशन को देखेंगे स्टॉक में जो रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा है 69.45 में, और जो सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है 58 का, राइट। तो अभी कंडीशन के हिसाब से स्टॉक इन दोनों लेवल को ब्रेकआउट करेगा, स्टॉक में तेजी का मूवमेंट बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा, क्लियर है। बाकी अभी के लिए स्टॉक में इन सपोर्ट लेवल के पास में अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तभी समझेगा स्टॉक में तेजी आएगा, बाकी अभी तक कोई सिग्नल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी कोई सिग्नल मिलेगा तो मैं आपके साथ में जरूर इन्फॉर्म करूँगा। तो अगर आपको खुद से पता करना है तो आपको ये देखना चाहिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है इस सपोर्ट लेवल के पास में तो समझिएगा स्टॉक में तेजी का मूवमेंट बनेगा। दोस्तों सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज जब बनाया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।